तो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का एक जबरदस्त सेटअप बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आप नए हो और यहाँ पे राइट सेटअप सोच रहे हो कि बनाने का, तो गाइस मैं आपके लिए जबरदस्त सेटअप लेके आया हूँ। आप यहाँ पे अगर मार्केट में कई सारे ट्रेड ले चुके हो और यहाँ पे फेल हो जाते हैं ट्रेड आपके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना एक्यूरेसी यहाँ पे बाय और यहाँ पे सेल सिग्नल दिखाता है। ये देखिए बाय सेल, इस इंडिकेटर में बेसिक मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन यूज किया है, मार्केट का जो सपोर्ट रेसिडेंस होता है वो यूज किया है, ट्रेंड लाइन यूज किया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे जो मार्केट की जो लेवल होती है वो सारी लेवल यहाँ पे कितना आपका टारगेट रहेगा वो सारी चीजें मैंने ऐड किए हुए हैं। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली चीजें आगे बढ़ते रहेगी। यहाँ पे मैंने एक वीवीएफ का एडवांस यहाँ पे यूज किया है जो कि आपको ट्रेड यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे जो ईमेल आईडी दी गई है ये बेसिकली मार्केट का जो प्राइस है वो कौन सी साइड जा रहा है ये आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे सभी चीजें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूंगा, ये जो इंडिकेटर है इफेक्टिव आरएस है, ये मैंने हमारे टेलीग्राम पे पहले दे दिया था। बट यहाँ पे जो सेकेंड इंडिकेटर है इसमें काफी सारा दिन मुझे लगा बनाने में, तो इसके लिए गाइस यहाँ पे वीडियो को 100 लाइक हो जानी चाहिए। अब जो भी आप वीडियो देख रहे हो गाइस, यहाँ पे आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बस सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गाइस आपको बाइंग कहाँ करना है, तो जब भी आप मार्केट के प्राइस के नीचे चल रहा होगा, यहाँ पे देखिए ई में भी इसके प्राइस के कहीं ना कहीं नीचे चल रहा है और हमने यहाँ पे जो हाइकनेशी का चार्ट यूज किया है, कई सारे लोग यहाँ पे बिगिनर हैं और यहाँ पे जब भी चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे कई सारी ग्रीन रेड यहाँ पे कैंडल बनती है। तो यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया है वहाँ हमें दिक्कत होती है, वही हमें एग्जिट करते हैं। जैसे मार्केट अपसाइड जा रहा है वहाँ पे हम बाइंग करते हैं, कई सारे ट्रेड लेते हैं और बाद में हमारा लॉस ही हो जाता है। बट यहाँ पे हमें वैसा नहीं है, अगर आपने अभी बाय सिग्नल दिखाया था, अगर बीच में कोई रेड कैंडल बनता है तो ये आपको यहाँ पे ग्रीन ही दिखाएगा। तो बेसिकली हमारा बाय कहाँ रहेगा, यहाँ पे देखिए आरएसआई का जो एडवांस स्ट्रेटेजी मैंने हमारी पहली वीडियो में बताया था कैसे इसे यूज करना है, यहाँ पे मैं और एक बार बता देता हूँ। जो ग्रीन लाइन है, रेड और एक ब्लैक, ये आसानी समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पे कहाँ बाइंग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लगभग ग्रीन लाइन पे, यहाँ पे देखिए 40 पे आरएसआई था, लगभग इस पॉइंट पे आके हमें बाइंग करनी थी 20, 40, 50 और 60। अगर 60 से ऊपर भी जाता है मार्केट तभी हम यहाँ पे बाइंग का सोचेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट हमारा 40 पे था आरएसआई, तो हमें क्या करना था, जो ब्रेकआउट का जो दिया है यहाँ पे देखिए एक लाइन दी गई है, तो यहाँ पे जो लाइन दी गई है पिवट की लाइन है, ये भी सपोर्ट रेसिस्टेंस का भी वर्क करती है। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तो हमें क्या करना, इसके ऊपर हमें बाय करना था। बाय किया हमने और टारगेट क्या रखना था, जो येलो वाली जो लाइन दी गई है सपोर्ट वाली, तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट रहेगा और सेकेंड टारगेट जो है ये जो दूसरी लेवल दी गई है ये वाली। यहाँ पे जो आप देखते हो कि कई सारे लोग यहाँ पे आपको लेवल देते हैं कि यार इस लेवल पे बाय करो, यहाँ से मार्केट अपसाइड मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे जो लेवल मैंने यहाँ पे निकाली है, मार्केट में जो प्राइस चलती है उसके साइड, अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ पे चल रहा है, इसका एक साइकोलॉजी नंबर है, तो ऑटोमेटिकली कैच करेगा इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस। बेसिकली इसमें प्राइस एक्शन में मिक्स किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग एग्जिट का करना था हमने बाय किया, तो हमें यहाँ पे सेकेंड टारगेट पे हमें एग्जिट करना था और उसके बाद आप देखिएगा मार्केट अपसाइड मूवमेंट किया और यहाँ पे कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन पे आ चुका है। अभी देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक जबरदस्त वर्क करता है। अभी हमें पुट कहाँ लेना था, अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो हम यहाँ पे देखिए जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मार्केट ने सेल सिग्नल दिखाया इसका ब्रेकआउट होने के बाद ही दिखाया, और हमें यहाँ पे पुट कब लेना है, यहाँ पे देखिए सेकेंड कैंडल, हमें जैसे यहाँ पे सेल सिग्नल दिखाया नीचे इसके ब्रेकआउट पर हमें पुट लेना है, और जो ए में है प्राइस के ऊपर से होना चाहिए और ये ऊपर से चल रहा है, और एग्जिट का करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग जो वीवीएफ है मार्केट इसके ऊपर आया, हमें एग्जिट करना है क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ पे देखिए ई में है इसके प्राइस के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अगर ये एक फ्लो में नीचे जा रहा है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये वाला लाइन, ठीक है।
अगर यहाँ से जो एलोलाइन से मार्केट गिरता है तो यहाँ पे काफी जबरदस्त गिरता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे बाइंग सिग्नल दिखाया, ईएमए लाइन इसके नीचे से चल रही है, बाइंग सिग्नल दिखाया, टारगेट हमारा जो पहला, सेकंड टारगेट जो ट्रेंड लाइन थी ये। अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो सारी चीजें बताई गई है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसे एक बार दोस्तों आप टेस्टिंग करेंगे खुद के लिए, खुद का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे निकालेंगे तो आपको यहाँ पे काफी जबरदस्त सेटअप होने वाला है ये। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चैनल था यहाँ पे ब्रेकआउट किया, मार्केट प्राइस आया और यहाँ पे पैटर्न बना था, वहां से इसने ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखिए जो ट्रेंड लाइन दी गई है ग्रीन कलर की, इसने कहीं ना इसे ब्रेक किया, सेल सिग्नल दिखाया था, हमें इसके नीचे पुट लेना था। हमने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है, पहला टारगेट हमारा यहाँ पे अर्जू हो चुका था, और सेकेंड टारगेट क्या करना है हमें, यहाँ पे जो प्रीवियस यहाँ पे दिखाएगा लाइन तो वो रखना हमारा टारगेट, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली सपोर्ट कैच करता है। आप इस लाइव मार्केट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे पुट साइड हमें क्या करना था यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कन्फर्मेशन था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे इसे ब्रेक किया था, और सेकेंड जो कन्फर्मेशन है जो ई एम ए प्राइस के अंदर चला गया, और थर्ड कन्फर्मेशन है हमारे यहाँ पे आर एस आई जो है डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आर एस आई 60 पे है, अगर डाउन ट्रेंड में यहाँ पे दिखा रहा है कि ये डाउन जाने वाला है, यहाँ पे देखिए, तो ये हम यहाँ पे पुट ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए, ये अभी देखिए, आपको यहाँ पे आर एस आई को थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जो बिगिनर्स है तो इन्हें यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करने के लिए यहाँ पे आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन और रेड और जो ब्लैक लाइन है वो लगाई है, आसानी समझ में आएगी मार्केट कौन साइड में जा रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दोनों टारगेट इजिली कम्प्लीट हो गए। अभी देखिए, जब भी मार्केट साइडवेज हो जाए तो हमें क्या करना है, मार्केट अगर इसके बीच में ये लाइन चल रही है एमए, हमें यहाँ पे बाइंग और सेलिंग अवॉइड करना है, बिकॉज यहाँ पे जो एमए इसके अंदर चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं जब ईएमआई इसके ऊपर से आया तो यहाँ पे हम पुट ले सकते थे इसके ऊपर। यहाँ पे देखिए जो लाइन है कहीं ना कहीं इसके ऊपर आई थी, तो यहाँ पे पुट ले सकते थे, इसने सेल सिग्नल दिखाया था, लगभग हमें 50 पॉइंट इजीली मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना जबरदस्त मोमेंट मिला हमें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ईएमआई इसके नीचे से आया, हमारा जो पहला कंडीशन था वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हो चुका था, क्योंकि मार्केट 40 पे था अरे सर, उसके बाद अब ट्रेंड में था। यहाँ पे देखिएगा, मार्केट जैसे 50 पे आया अरे सर, तो जैसे ही इसके नीचे से ईएमए चला गई, हमें यहाँ पे बाय करना था, तो यहाँ पे कितना बड़ा मोमेंटम मिला हमें। आप पीछे भी जाके देख सकते हैं, यहाँ पे कभी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी सेटअप के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा कितना बड़ा मोमेंटम मिला, जो वीवीएफ है का जो ब्रेकआउट किया, अगर ये वीवीएफ इसके ऊपर से है यानी मार्केट डाउन साइड ही है, और जो ईएमए इसके ऊपर से चल रही है यानी 100% आपको यहाँ पे पुट ही लेना है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे सेल सिग्नल दिखाता है और यहाँ पे देखिए ईएमए इसके ऊपर से चल रहा है, तो यहाँ में पुट लेते तो हमें 50 पॉइंट इजिली मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मोमेंटम मिला, जैसे ही ईएमए लाइन इसके ऊपर से चलेगी, ये इस कैंडल पे हमें पता चल गया कि मार्केट डाउन साइड जाने वाला है, और हम क्या करते हैं इसी लाइन के नीचे हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जैसे ही सेल सिग्नल दिखाया है हम डायरेक्टली पुट ले देते। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो ज्यादा रहता हूँ। दोस्तों, ये काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है, आप इसे एक बार यूज कीजिए, मैंने कई दिन इसे यूज़ करके आपको बता रहा हूँ, आप इसे एक बार बैक टेस्टिंग कीजिए कि यहाँ पे कैसा वर्क करता है। ये स्ट्रेटेजी प्राइस एक्शन रिलेटेड है, आप देख सकते हैं, इसे मैं आगे लेके जाता हूँ, ऑटोमेटिकली लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, और ये आगे तक ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो चुकी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी एडवांस स्ट्रेटजी आपके लिए लाता रहूंगा, और चैनल को लाइक करके यहाँ पे पैसा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।